ऋषभ और श्रेया की जोड़ी। प्यार के दो दीवाने, वैलेंटाइन्स पर अनोखी डेट, ये जोड़ी है एकदम कमाल। ऋषभ, जिन्हें आप फिलहाल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान की कजिन भाई कृष के किरदार में देख रहे हैं, उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड है श्रेया। भाई वैलेंटाइन वीक के मौके पर ये दोनों इस डेट पर आए हैं, जहां ये दोनों अनोखे अंदाज में इस दिन को कर रहे हैं सेलिब्रेट। आपको बता दें कि ऋषभ जहां रियलिटी शोज स्प्लिट्स विला और रोडीज में नजर आ चुके हैं, इसके अलावा ऋषभ ने अनुपमा में किया है काम, जहां उन्होंने डिम्पी के हस्बैंड का किरदार निभाया था। तो वही श्रेया है एक इन्फ्लुएंसर, इसके अलावा वो नजर आ चुकी है वेब सीरीज फूसे फैंटेसी में। ऋषभ और श्रेया एक साथ एक म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुके हैं, जिसका नाम है छोकरी। सास बहू और बेटिया में आज हम करेंगे इस जोड़ी से खास मुलाकात और जानेंगे इनकी लव स्टोरी। साथ ही बीच पर ये करेंगे मटर गश्ती, खाएंगे स्ट्रीट फूड और प्यार के इस रंग में रंग जाएंगे। तो चलिए करते हैं इस प्यार भरे दिन को सेलिब्रेट ऋषभ और श्रेया संग। भाई इस रोमांटिक जगह यानी कि बीच पर पहुंचते ही देखिए कैसे ऋषभ और श्रेया एक दूसरे से ले रहे हैं प्यार के वादे। अभी तक मैंने प्रॉमिस तो नहीं किया, बट आई थिंक दिस इज द राइट मोमेंट टू प्रॉमिस। तो चलो कुछ प्रॉमिस करते हैं। तो I want to promise to you that I'm always there for you and whatever comes our way, हम तुम्हारा हमेशा इसी तरह साथ देंगे। Because you know, जब हम याद है जब नए शहर में आए थे, I had no friends and I think I found Shreya there and she was there throughout. चाहे वो छोटी छोटी चीज़ से related हो, हर चीज़ पे श्रेया मेरे साथ होती है and I think today is the good day to promise. So I promise you that I'll always be there for you. Oh, you'll make me cry. अच्छा, छोटी छोटी चीज पे रोना आ जाता है यार, क्या कर सकते हैं। हाँ चलो, अब इसने भी प्रॉमिस कर दिया था, मेरा भी हक बनता है प्रॉमिस करने का। क्या प्रॉमिस कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक एज अ फ्रेंड मैं आपको देना चाहूँगी, बट आज मैं आपसे ये प्रॉमिस करना चाहूँगी कि कुछ भी होगा आपकी लाइफ में, लाइक स्ट्रगल होगा या खुशी होगी, आई विल ऑलवेज बी देयर टू शेयर इट विथ यू, ठीक है। एंड कभी कभी मैं आपको रुलाऊंगी, कभी कभी हंसाऊंगी, बट मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। क्या बात है, तालियां 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 तालियां। तो भाई प्रॉमिस तो हो गया, अब जानते हैं ऋषभ और श्रेया एक दूसरे से कैसे मिले और कैसे ये दोस्ती प्यार में बदली। आई थिंक हम सबसे पहले मिले थे, आई थिंक काफी ज्यादा हमने अपने YouTube पे हल्ला कर चुके हैं इस बारे में। वी मेट एट अ नेटफ्लिक्स शूट, नेटफ्लिक्स के लिए कोई एपिसोडिक था, वहां पे हम लोग मिले थे। इवन दो टेलीकास्ट भी प्रॉपरली हुआ नहीं वो शो, बट वहाँ पे हम लोग मिले एंड उसके बाद से ये इंदौर चली गई एंड मैं बनारस से उस समय आया था, मैं मुंबई शिफ्ट भी नहीं हुआ था। सो इट वाज जस्ट फॉर अ प्रोजेक्ट, मैं दो दिन के लिए आया था मुंबई, मैंने वो शूट करा, देन आई वेंट बैक टू बनारस। उसके बाद हम लोग कनेक्टेड रहे ऑब्वियसली एंड इन्होंने ऑलरेडी एक शो करा हुआ था, तो मैंने इनको देखा हुआ था MTV पे, तो आई वाज लाइक यस आई हैव सीन यू इन अ शो एंड ऑल करके मैंने बातचीत स्टार्ट करी। देन फिर अचानक से ये मुझे, जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था, मुझे पता भी नहीं था कि ये शिफ्ट हो चुकी हैं, अचानक से आठ महीने बाद ये मुझे जिम में मिल गई, मेरे सेम जिम में जो जिम मैंने ज्वाइन करा था। तो कहते हैं ना, बहुत ही कोइंसिडेंटल चीज़ें थी, अपने आप चीज़ें हो गई एंड देन वी मेट देयर एंड उसके बाद से लेके आज तक ये, उसके बाद मेरे घर आने लगी खाना खाने, फिर फेवर लेने लग गई। उस टाइम क्या होता कि मैं घर वालों से पैसे नहीं लेती थी और मुझे लगता था मुझे खुद कुछ करना है और मैं बॉम्बे आई हूँ तो मुझे रेंट वेंट सब जोड़ना पड़ेगा। तो उस टाइम खाने के ना ऐसे लगता था कि यार खाना मैं कहाँ खाऊं, ठीक है। और उस टाइम मेरे पास मेड हुआ करती थी, तो डाइट कॉन्शियस था, तो मेरी मेड आती थी, वो सुबह जो भी मेरा होता था मील वो बनाकर जाती थी। इसको समझ में आ गया, ये बंदा तो है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शूट पे गई थी और मैं वहां से जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैंने इसको कॉल किया था कि यार कहीं बाहर चलना है खाने, क्योंकि उस टाइम मैं बाहर ही खाती थी, घर पे कोई नहीं था मतलब बनाने के लिए। तो बोलता है एक काम करना, मैं हेल्दी खाता हूँ, तो मेरे घर आ जा, मैं खिलाऊंगा तुझे। तो फिर उस दिन से लेकर 6 महीने तक मैंने इसके घर पे खाना खाया। भाई ऐसे दोस्त कहाँ मिलेंगे जिनको एक बार एडवांसेस दे दो कि नहीं भाई आज खाने आ जा, तो 6 महीने तक खाने आ रहे हैं। तो ऐसे होता है, उंगली पकड़ाओगे तो हम हाथ पकड़ लेंगे। भाई वाकई बहुत ही क्यूट है इनकी लव स्टोरी। वैसे इस बीच पर पहुंचते ही देखिए कैसे ऋषभ और श्रेया हो गए हैं रोमांटिक,
और फिर एक बार एक दूसरे को कर रहे हैं प्रपोज, फूल देकर, बलून्स ब्लो कर और गाने गाकर। नहीं, क्या क्या सोचा, आई थिंक अच्छा ही सोचा होगा शायद। ऑनेस्टली हमने ना न्यू ईयर रिजोल्यूशन की पूरी एक लिस्ट बनाई है, पूरी रेडी है कि ये चीज़ हमें कंप्लीट करनी है साथ में, तो वो तो होने ही वाली है। बट इस साल एक चीज़ बहुत स्पेशल है, दैट इस साल हम लोग वैलेंटाइन वीक में साथ हैं। एंड ऑल्सो देयर इज अ गुड न्यूज दैट वी आर लॉन्चिंग अ ब्रांड। यस, दैट्स द बेस्ट पार्ट। 14 फरवरी को हमारा खुद का ब्रांड भी आ रहा है, सो उसके लिए एंड बाकी सारी दुनिया भर की चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू फॉर बींग विथ मी एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन माई लाइफ। एंड आई थिंक जितना इसने मेरी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट किया ना, आई थिंक किसी ने आज तक नहीं किया, एज अ फ्रेंड, एज अ स्ट्रेंजर, एज अ फैमिली मेम्बर। नाउ आई थिंक आई कंसिडर हर एज माई फैमिली नाउ। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसने मेरे लिए करी है, सो आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हर फील स्पेशल, एंड आई थिंक टूडे इज द बेस्ट डे टू डू दैट। सो या थैंक यू सो मच, दिस इज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम मी टू यू। He doesn't even express, but आज पता नहीं क्यों इतना बोल रहा है। Surprise कर दो। हाँ, मतलब वैसे ये मुझे literally roast करता रहता है, मेरी मस्ती मजाक मस्ती करता है मेरे साथ, पर thank you so much। पूरे हवा में ऐसा प्यार बह रहा है। ओह हो हो, तो मतलब Valentine week है। Valentine week के बाद बोलेगा चल हट यहाँ से। Obviously। तुझे क्या लगा ये permanent है? और क्या? Temporary चीजें मुझे नहीं पसंद। चलो ठीक है, मैं जिसके साथ चिपकती हूँ जिंदगी भर चिपके रहते हो, मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं वो हमेशा मेरे साथ अच्छा, रहते हैं। इट मींस यू तुम बहुत चिपको। यस, तुम ये कहना चाहती हो? यस, आई एम वेरी पोसेसिव अबाउट माय पीपल। मैं अपने फैमिली को भी लेके ऐसी होती हूँ कि नहीं नहीं मेरे ही है सिर्फ, मैं उनका ध्यान रखूँ। तो मेरे फ्रेंड्स को भी लेके, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी किसी और से ज़्यादा बात करती हूँ, कौन है ये, किससे तुम बात कर रही हो। तो आई एम वेरी पोसेसिव। रेड फ्लैग, देखो यही होता है, इट्स नॉट अ रेड फ्लैग, इट्स जस्ट अगर आप रेड फ्लैग को रेड रोज दे दो ना तो वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाती है। नहीं, रेड फ्लैग नहीं है, इट्स जस्ट आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ, तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरे हैं वो मेरे रहे हमेशा। चल, नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन। ओके, 1 2 3। मैं तेनु समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं कह रहा हूँ बस नहीं आया यार, गाई यार गाई बंद। चलो नाइस, अच्छा था पहले दो लाइन में सुरीला था। नाइस नाइस, नाउ इट्स योर टर्न यार। मैंने तो इतना एक्सप्रेस किया ना, भी गाना भी, बट यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, यू हैव टू टेल मी द सॉन्ग नाउ, आई विल सिंग, यू नो माय फेवरेट सॉन्ग। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांस चलती जिधर, रहूँगा बस वही उम्र भर, रहूँगा बस वही उम्र भर है। समा हो गया है काफी रोमांटिक, ऐसे में एक रोमांटिक बीच डांस तो बनता है ना। बातें शाते तो बहुत हो गई, अब बारी है चैलेंज की। अभी हम लोग एक चैलेंज करने वाले हैं। चैलेंज ये है कि हमको 2 मिनट में देखना है कौन सबसे ज्यादा बलून फुलाएगा, और इसका आंसर है बहुत ही ऑब्वियस, कौन फुलाएगा? ऑब्वियसली मी, ऑब्वियसली मी, मैं ही जीतती हूँ हमेशा। अब वो अलग बात है, ये चीटिंग कर ले, चीटिंग हम क्योंकि हमेशा हर गेम में चीटिंग करता है, इसको आदत है। अपनी बातें बता रही है, हम हारना पसंद करते हैं, बट चीटिंग करना नहीं। आई नेवर चीट लाइफ में ना गेम में, रिलेशनशिप में भी चीट नहीं करता। गुड बॉय है ये, गुड बॉय मैन। तो शुड वी स्टार्ट? चलो लेट्स गो।
अपने भाई को जो यहाँ नहीं है अभी घर पे है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक दिस लूजर जो नहीं फुला पाया, जिसकी सांसें ख़त्म हो गई. आई एम सो हैप्पी. हाँ, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम मुझे बीच पे गोदी में उठा के ऐसे चक्कर खिलाओ. तो ऐसे लेके घूमे. हाँ, ये क्या वर्कआउट चल रहा है क्या? हाँ, या तो तुम मुझे नहीं नहीं 10 स्क्वाट लगाओ मुझे उठा के ऐसे. क्या करे ये वाला, व्हाटएवर यू वांट टू चूज. आज ही लेके है यार. तो क्या हुआ? चल चल चलो रेडी. तो गाइस, इससे आज हम ये सीखते हैं कि वैलेंटाइन हो या पूरा साल हो, आपको आपके बंदे के नखरे उठाने ही पड़ते हैं. तो अगर आप भी ये देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी बंदी को स्पेशल फील कराएं, एंड सिर्फ वैलेंटाइंस डे पे नहीं, पूरे साल उसके नखरे उठाएं, ताकि वो और नखरे और खर्चे भी उठा लें. गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो वैलेंटाइंस के मौके पर होती है रोमांटिक डेट, लेकिन ऋषभ और श्रेया की ये डेट है एकदम अलग, क्योंकि यहाँ इन्हें याद आ गया है अपना बचपना. तभी तो देखिए कैसे ये बलून वाला खेल खेल रहे हैं, और इसी के साथ साथ अब बारी है घुड़सवारी करने की. What's up, Bablu? तो गाइस, मेरे साथ एक बबला है और एक बबलू जिसपे हम बहुत कष्ट किए. क्यूट है बबलू यार, चाहिए था. क्यूट है बबलू. नहीं देखो ऐसे से कर रहा है. कैसे? तुम मत करो, वो क्यूट लग रहा था. क्या यार. तो गाइस देखिए, हमने कैसे हॉर्स राइडिंग की, गेम्स खेले, तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी अपने पार्टनर के साथ वही करें, स्पेशल फील कराएं, सिर्फ आज के दिन नहीं या वैलेंटाइन वीक में नहीं, पूरा साल. अगर गलती से गिर जाते हैं ना, तब फिर स्पेशल और फील कराते हैं उसको, क्योंकि इसकी जीत थी इस पे जाना. तो मजा तो आया ना? बहुत मजा आया. मजा तक ही खत्म हो गया, सजा तक आई नहीं ना बात. थैंक यू. थैंक यू कितना थैंक यू बोले यार. जिंदगी तो मजा कराऊंगी. मेरे लिए मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था. इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज आज तक मुझे इतना महंगा गिफ्ट किसी ने दिया नहीं. एंड ही यू नो, एंड शी डिड इट फॉर मी, सो या. एंड इसने मेरे बर्थडे में मुझे डायमंड नेकलेस दिया, तो आज तक मुझे नहीं दिया मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे डैड के अलावा आज तक किसी ने नहीं दिया है. तो या आई थिंक स्पेशल चीज़ हमारे में सबसे ये है कि जो इसको पसंद आता है मैं उसका ध्यान रखती हूँ, और जो मुझे पसंद आता है वो उस चीज़ का ध्यान रखता है. इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट के क्या चाहिए उसके पार्टनर को या उसके फ्रेंड को जो आजू बाजू है. तो आई थिंक ये क्वालिटी बहुत अच्छी है. भाई एक तरफ ये खूबसूरत कपल, दूसरी तरफ ये रोमांटिक बीच, ऐसे में इन पर चढ़ गया है आशिकी का फीवर. इतना टेक्निकल, ओ माय गॉड. सो गाइस, दिस इज फॉर ऑल द रिश्या फैंस. और जिसको ये बात नहीं पता है, बता दे, हमारा एक हैशटैग है ऋषभ एंड श्रेया, जो कि है रिश्या. सो आई थिंक ये हमने नहीं, हमारे फैंस ने हमें ये नाम दिया है. सो नाउ इट्स RISHYA हैशटैग. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव एंड विद अ हार्ट. वाह यार, कितनी अच्छी राइटिंग है. इतनी अच्छी राइटिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी. काफ़ी क्लियर लिखा है तुमने वैसे. मेरे फ्यूचर की तरह धुंधला है. ब्राइट है तो मेरे फ्यूचर की तरह. वाव यार, हैशटैग ऋषिया फॉर लाइफ. भाई अब डेट है, तो ऐसे में खाना पीना तो बनता है ना. तो भाई ये दोनों निकल पड़े हैं स्ट्रीट फूड चखने के लिए. तो सबसे पहले ऋषभ और श्रेया ने खाए गोल गप्पे.
हमने ऑलरेडी बहुत सारी मस्ती कर ली है, काफी टाइम स्पेंड कर लिया, ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है. इट्स टाइम टू ईट समथिंग. व्हाट डू यू वांट टू ईट? भुट्टा. व्हाट इज भुट्टा? इट्स कॉर्न. आई नो. तो चलो कुछ खाते हैं गाइस. ठीक है, पहले गोलगप्पा दिख गया तो गोलगप्पा ही खा लेते हैं. मैं तो हम खाने वाले हैं दो दो गोलगप्पा. भैया खिलाएंगे क्या? खिलाएंगे भाई, दो मिनट रुक के खिलाएंगे बोल रहे हैं. भैया जी बोल रहे हैं आपको इंतज़ार करना पड़ेगा. इंतज़ार का फल थोड़ा खट्टा तीखा होता है. तुम्हें कौन सा पसंद है, तीखा मीठा? मीठा मिक्स. नहीं सुधरेगी भाई ये लड़की. भाई बचपन में जब हम बनारस से स्कूल अपने स्कूल से हम लोग घर जाते थे ना, फ्रेंड चार पांच, तो हम लोग का रोज़ का था कि हम लोग गोलगप्पा खाएंगे ही खाएंगे एक पर्टिकुलर स्पॉट पे. तो कभी मैं पे करता था, कभी कोई और, मतलब हर दिन सबका होता था कि आज ये पे करेगा, आज ये पे करेगा. मीठे और तीखे गोलगप्पे खाने के बाद बारी आई भुट्टा खाने की, जिसमें हमारी चॉइस थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि श्रेया यूजुअली खाती हैं कौन सा वाला, छोटे वाले कॉर्न, छोटे वाले जो बॉयल करके देते हैं ना वो वाले खाती हैं, एंड मैं पूरा इंटैक्ट रॉ, क्योंकि वो दांत में लग जाता है फिर निकालना मुश्किल होता है गाइस. आपसे हमें देखा है हमारी स्माइल कितनी अच्छी है, थोड़ी और उसमें येलो कलर ऐड करेंगे, देखो अभी कैसे. बट ये जो मार्केटिंग स्किल्स आप देख रहे हैं ना पीछे से, चीज कॉर्न बटर कॉर्न, मेरा ब्रांड आएगा तो मैं भी ऐसे करूंगी. सिम क्लोथिंग के कपड़े हैं, सिम क्लोथिंग के कपड़े. तो आई थिंक पहला बाइट श्रेया को लेना चाहिए और देखते हैं. या लेडीज फर्स्ट. अरे यार अभी देखो, अभी मजा आएगा. कैसा है? अपना दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, फिर साथ में दिखाएंगे. देखा पहले तुम्हें नहीं लगा इतना, एक बार डाल लो. ये टू वन लगाए मैं हूँ. पागल है हम लोग यार. इट्स वेरी गुड. और मैंने ऑर्डर किया कॉर्न विद चीज विद सम बटर एंड विद सम चाट मसाला. व्हाट अ कॉम्बिनेशन. आई एम सॉरी. ऐसे दिन रोज आने चाहिए क्योंकि इतना स्ट्रीट फूड रोज हमें खाने का मौका नहीं मिलता है ना. आज हमने गोलगप्पा खाया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक लेजिट लॉन्ग टाइम. तुमने कब कितने दिन बाद खाया? एंड मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं बहुत क्रेव कर रही थी गोलगप्पा. एक बार हम रात को ढूंढने के लिए निकले थे बट नहीं मिला था. बट फाइनली थैंक्स टू सास बहू बेटी हम लोग इतना अच्छा एंजॉय कर. आई थिंक थैंक्स टू यू गाइज ओनली कि आप लोग की वजह से हमें वापस से ये कॉर्न और गोलगप्पे खाने का मौका मिला है. तो आई थिंक हम लोग अभी ये खाना ज्यादा पसंद करेंगे एंड आई थिंक वी आर डन फॉर द डे. थैंक यू सो मच गाइज for this lovely day and lovely treat. So see you guys next time. Bye. Bye. भाई वाकई वैलेंटाइंस के मौके पर ये डेट रही एकदम रॉकिंग, कुछ हटके. और वैसे भी ये जोड़ी है एकदम कमाल. हम तो यही कहेंगे कि आप दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रहे और यूं ही आप सभी अपने अपने वैलेंटाइन के साथ प्यार भरे इस दिन को सेलिब्रेट करें. मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो बजाते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की टफली, लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट.